रामचरितमानस का विरोध करने वाले बिहार के प्रोफेसर चंद्रशेखर के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। राजधानी पटना में आज सनातन का विरोध करने वालों का जमकर विरोध किया गया। उनकी तस्वीरों को पैरों से कुचलकर विरोध किया गया और उनकी सद्बुद्धि के लिए पूजा अर्चना भी की गई। साथ ही रामचरितमानस का भी पाठ कर संदेश भी दिया गया। पटना के बाकरगंज में प्रोफेसर चंद्रशेखर के रामचरितमानस को लेकर लगातार दिए जा रहे आपत्तिजनक बयानों का विरोध किया गया। प्रोफेसर चंद्रशेखर की तस्वीरों को पैरों के नीचे रखकर पूजा अर्चना की गई। बीजेपी कार्यकर्ता कृष्ण कुमार ने ऐसे नेताओं को नाली का कीड़ा बताया जो वायरस की तरह समाज को दूषित कर रहे हैं। सनातन विरोधी बिहार के शिक्षा मंत्री के पैरों के नीचे हम लोग दबाकर रामचरितमानस का पाठ और पूजा कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से नाली का कीड़ा है, ये एक वायरस है। जो व्यक्ति सनातन का विरोध कर रहा है उन तमाम लोगों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक देश की तमाम जनता करेगी, यह मुझे भरोसा है। कहीं ना कहीं आज ये लोगों को हम लोगों ने लात से कुचला है। बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी, जिसमें उन्होंने रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बताया था, उसे लेकर के अब जमकर विरोध हो रहा है। चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए लोगों ने कहा कि सनातन और रामचरितमानस का अपमान करने वाले नेताओं पर जनता को सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए। नेता समाज में एक बीमारी है जो वायरस की तरह समाज को दूषित कर रहे हैं। अपने पैरों से दबाकर ये लोग यह बताया है कि तुम नाली के कीड़े हो और हम लोग रामचरितमानस का पाठ पढ़ा है और आरती पूजा की है। बहरहाल हाल के दिनों में जब से विपक्षी एकता का नया गठबंधन इंडिया बना है, तब से सनातन का विरोध और उस पर हमले तेज हो गए हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, उदयनिधि स्टालिन, आर राजा जैसे नेता सुर्खियां बटोरने के लिए जानबूझकर ऐसी हरकतें करते नजर आ रहे हैं। बताते चले कि इससे पहले भी जब प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, तब भी प्रोफेसर चंद्रशेखर का जमकर विरोध हुआ था। आरजेडी जवाब देने की स्थिति में नहीं थी। बावजूद प्रोफेसर चंद्रशेखर जानबूझकर सनातन और रामचरितमानस में विश्वास रखने वाले लोगों को मुंह चढ़ाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जानबूझकर बार बार की गई गलतियों का रिएक्शन क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।